नमस्कार, बीएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थानी कला व संस्कृति को प्रमोट करने की ऐसी शख्सियत जिन्होंने प्रचार प्रसार में बहुत कम उम्र में प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी शख्सियत हमारे बीएमसी न्यूज कार्यालय में है। नमस्कार टीना प्रजापति जी। नमस्ते। मैं सर्वप्रथम आपसे आपके परिचय के साथ हमारे दर्शकों को रूबरू करवाना चाहूंगा, तो सर्वप्रथम आज की साक्षात्कार की शुरुआत है वो आपके परिचय के बारे में, आप कौन हो, कहाँ से हो, इसके बारे में जानकारी। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मैं टीना प्रजापति, मैं पाली से रहने वाली हूँ और मैंने 8th क्लास तक मैंने पढ़ाई की हूँ। क्योंकि 8th क्लास मैंने क्यों छोड़ी पढ़कर, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में बिल्कुल। मेरे को ओनली फॉर डांस, एक्टिंग वगैरह इस चीज़ों का मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं टिकटॉक बनाने से फिर मेरे अच्छे खासे फ्रेंड फॉलोइंग भी थे, तो मेरे जीजू महेंद्र जीजू ने भी मेरे को फुल सपोर्ट किया था, उसी वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ। आप परिचय के बारे में बताया कि आपने टिकटॉक पे भी आपको काफी आपका वीडियोस वगैरह चले हैं और आप प्रमोट करना चाहते हो, तो टिकटॉक के साथ, तो टिकटॉक तो बंद हो गया, सरकार ने बंद कर दिया, इसके बाद आप नेक्स्ट आपने यूट्यूब को अपनाया है, और यूट्यूब में आपने अब तक कितने एल्बम शूट कर लिए? यूट्यूब चैनल पर मैंने 300 से बाहर वीडियोस बना दिए हैं, तो इसी तरह से मेरे को और काम मिले और यूं ही मेरे आगे से आगे सपोर्ट करें। जैसे आपने बताया कि 300 आपने वीडियो शूट कर लिए, हाँ, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी उम्र बहुत कम बता रहे हैं, कितनी उम्र आपकी? मेरी उम्र 17 साल की है। 17 साल की उम्र में भी आपने करीब 300 वीडियो शूट कर लिए हैं, ये निवेदन, ये आपसे सवाल है कि 300 में से सबसे टॉप वीडियो कौन सा चला और कहां तक चला, और उससे अन्य वीडियो के लिए आप क्या प्रेरणा लेना चाहेंगी, उसका क्या? जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, जो मेरे 2 मिलियन से चल रहा है वीडियो, जो HRJ फिल्म स्टूडियो का है, तो उसी चैनल से मैं आगे बढ़ी हूँ। और एक RC फिल्म स्टूडियो जो 2 मिलियन से दो वीडियो है, जो वो भी 2 मिलियन से बाहर, ऐसे 3-4 वीडियो जो 2 मिलियन से बाहर गए हुए हैं। आप जैसे नृत्य में आपने अपनी बताया कि 300 वीडियो आपने शूट कर लिया है, हाँ। और आप आगे भी आपका ये कार्य चलता रहेगा, तो आपसे ये सवाल रहेगा कि राजस्थानी कला संस्कृति के अंदर आप अभी ढले हुए हो और उसकी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए आप 300 सदी का आपने राजस्थानी भाषा, राजस्थानी संगीत, राजस्थानी पहनाव को लेकर आपने शुरू किए, हाँ। तो क्या एक आपकी जो राजस्थानी पोशाक पहनने के बाद और एक सिंपल पोशाक है जो बेसिक जो पहनते हैं, तो कैसा महसूस होता है राजस्थानी पोशाक पहनते? जब मैंने राजस्थानी पोशाक पहनी थी ना, तो मेरे को बेटर फील हुआ कि मैं आज इस देश में यूँ आर्टिस्ट बनकर, तो मेरे को अपने संस्कृति का आगे से आगे नाम बढ़ाना है, और जो अपनी जो पोशाक है, तो उसी तरह से आप राजस्थानी के लोग हो, तो आप भी ऐसी पोशाक पहनकर आर्टिस्ट लोग ऐसे वीडियो बनाएं। आपने सर्वप्रथम इसमें अपने YouTube पर आने के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इसकी शुरुआत की, तो क्या आपका पेरेंट्स जो माता पिता है वो आप पर सहमति जताई इस काम करने के लिए, या उन्होंने विरोध किया, ऐसा नहीं कर सकते लड़की है और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ आज सामने रखे आपने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट पापा थोड़े डरे हुए थे, तो पापा ने सपोर्ट नहीं किया था, मम्मी ने सपोर्ट किया था, फिर मेरे जो मामा है उन्होंने मेरे पापा को बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बेटी का जो टैलेंट है वो आप देखो, आपकी लड़की बहुत नाम रोशन करेगी आगे जाकर, आपका भी नाम रोशन होगा। तो पापा को मैं साथ में लेकर गई थी एक बार, पापा ने बोला बेटा काम अच्छा है, आप अच्छे से करना, बस उसी के बाद पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। जैसे कि आप लड़की हैं, हाँ। और लड़की और लड़का में जो आज समाज के अंदर बहुत ज्यादा भेदभाव चलता है, लड़की को प्रमोट कम करते हैं, लड़की को ज्यादा प्रमोट करते हो, आपके माँ बाप ने आपको प्रमोट करके इस क्षेत्र में आपका सहयोग किया, तो अन्य जो माँ बाप है आपके माँ बाप की तुलना में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनकी बच्चों के लिए जो उनका टैलेंट है उसको टैलेंट पर लाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी लड़की को बहुत टैलेंट है तो उन्हें भी आप आगे बढ़ाओ, आप रोको मत, कि वो भी एक लड़की है, इसलिए उनका भी कोई ना कोई टैलेंट होता है ना, कि मैं ये चीज करूँ वो चीज करूँ, बस ये कहना चाहती। अच्छा, आपने इसके बारे में बताया, इसके अलावा जब इस छोटे एल्बम से आपने शुरुआत की, अगर आपको कहीं राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म इंडस्ट्रीज या बड़े एल्बम में काम करने का मौका मिलेगा, तो इसके लिए क्या प्रयास है, आप क्या सोचते हैं? बस मैं कहना चाहती हूँ, अगर मेरे को मूवीज वगैरह कुछ एक्टिंग में कुछ अगर मौका मिले तो मैं जरूर जाऊंगी, और बट अपना जो राजस्थान का नाम है ना उसे बहुत ऊंचा करूंगी। जैसा कि आपने बताया राजस्थान नाम ऊंचा करना, और इसके साथ ही फिल्मी दुनिया या बड़े स्तर पर जो ड्रामा है या एक्शन वगैरह मूवी में काम करना चाहेंगे, क्योंकि आज
उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं अप्रोच की जरूरत होती है, और टैलेंट तो है लेकिन कहीं अप्रोच भी होती है, कहीं जगह होता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जब आपके टैलेंट है तो टैलेंट कोई छीन नहीं सकता, टैलेंट आपके पास है तो आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो आपके टैलेंट के माध्यम से जो अन्य लड़कियां हैं जो आपके साथ ग्रुप में जुड़ रहे हैं या आपके आसपास की जो है लोग आपके स्टाफ में काम करते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे वो इस यूट्यूब पर अपना डांस करने को लेकर प्रेरित क्या करेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और अपने जो राजस्थान में जो भी आर्टिस्ट है, बहन भाई वगैरह, बस अपने राजस्थान का नाम ऊंचा करो, अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाओ। तो पढ़ाई के बारे में सवाल था, पढ़ाई और दूसरे भी क्या आपके देख के पढ़ाई छोड़ देंगे? आप आपके फॉलोअर्स हैं, आपको मानते हैं, क्या भी पढ़ाई छोड़ दो, वही छोड़ेंगे? उनको पढ़ाई को जारी रखने के लिए आपको उनको क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके फॉलोअर्स फ्रेंड फॉलोइंग अच्छे है, तो आप पढ़ाई भी करो और अपने जो दूसरा काम है, जो आप मतलब शूट वूट वगैरह कुछ भी करते उन पर भी ध्यान दो। तो आपकी क्या पढ़ाई जारी रहेगी? हाँ, अभी मैं जारी रखूंगी मेरे पढ़ाई में, पढ़ाई भी जारी रखूंगी, और मेरे जो काम कर रही शूट वूट का इसमें भी जारी बिल्कुल रखूंगी। जैसा कि आप अपने पाली से यहाँ मतलब 100 किलोमीटर दूरी चलकर आप यहाँ शूटिंग करने आते हो, तो कहीं आपको कोई व्यवधान, कुछ बाधाएं होती है, कुछ समस्या होती है आपकी शूटिंग के दौरान? ऐसे तो मेरे को कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मी साथ रहती है, लेकिन जहाँ पे भी जाती हूँ तो मेरी मम्मी साथ चलती है। तो मैं जब बालोतरा आई तो मेरे को श्याम देवासी जी ने मेरे को फोन किया था कि टीना जी अपना शूट है, मैंने बोला ओके जी मैं आ जाऊँगी आपके शूट पे। तो मैंने उनके शूट पर आई, फिर मेरे को बेटरफुल लगा कि मेरी फैमिली की तरह ही है और मुझे फैमिली की तरह ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनका शूट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उनका चैनल का नाम है रिद्धि सिद्धि यूट्यूब चैनल है, तो आप जरूर देखना और ऐसे उस चैनल को भी सपोर्ट करना और हमें भी सपोर्ट करना। जैसा कि आपने बताया रिद्धि सिद्धि जैसे बुरुंदा जो ये म्यूजिक का जो ग्रुप है, हाँ, इस ग्रुप ने बहुत प्रयास किए हैं और आज इस ग्रुप के आप साथ जुड़े हो, तो हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बस अपने फैमिली के जैसा लग रही है मेरे को, कि जैसे मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है, वैसे ये रिद्धि सिद्धि म्यूजिक ग्रुप वाले है ना, वैसे मेरे को फैमिली से भी बढ़कर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा तू आगे बढ़। तो हमारे एस आर बी चैनल वाले कैमरामैन जी, हमारे लक्की जी राठौड़ है जो हमारे कैमरामैन है, बहुत अच्छे कैमरामैन है, तो वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, तो आप उनके भी चैनल को सपोर्ट ऐसे ही करते रहना। एक तो आप ऐसे रिहर्सल करते हैं, जब कैमरे के सामने पहली बार आए, तो कुछ हेजिटेशन हुई? नहीं, ऐसे तो कुछ लगा नहीं था मेरे को, बस नॉर्मल सा फीलिंग हुई थी मेरे को कि क्या क्या करूँ, क्या कुछ नहीं करूँ। उन्होंने मेरे को समझाया कि बेटा ऐसे डरो मत, आप कैमरे के सामने, आपको आगे बढ़ने, तो आप कुछ करो। तो मैंने कुछ करके बताया, फिर आगे से आगे मेरा सपोर्ट हुआ। ये थे टीना प्रजापति पाली जिले से, उन्होंने राजस्थानी कला और संस्कृति में जो पहनावा है, जो भाषा है, उनका प्रचार प्रसारण में इनका काफ़ी अच्छा रोल है, और 300 से अधिक उन्होंने वीडियो शूट कर लिए और आगे भी ये कारोबार इनका चलता रहेगा। अभी तक की उम्र बात की है, सबसे कम उम्र होने के बावजूद अच्छे आर्टिस्ट बने हैं, तो ऐसे सक्सेस आप लोगों के सामने पेश किए हैं, और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार।